में प्ले कर रहे हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का रोल, उन्होंने एक पॉजिटिव वे बताया है कि कैसे सारे नेगेटिव क्राइम्स इस मूवी में दिखाए गए कि कैसे कम किए गए हैं, शांति लाई गई, एक पॉजिटिविटी लाई गई है एंड अ बेटर लाइफ स्टाइल. सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस प्रोजेक्ट को लेकर. आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडिया रिपोर्टर. Definitely, yes. Yes, Hanji. As an actor, if you talk from my background, personally, I'm an MBA and also I'm a fitness influencer. Hanji. Myself, Amit Parnami, actor. ये फिल्म में जो है, जैसा कि फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ गुड़गांव, तो गुड़गांव की एक स्टोरी है जो हरियाणा दिल्ली में जो अपराध है, क्रिमिनल लॉजी जो है उसके बारे में बताया गया है और उसको कैसे ख़त्म करने के लिए क्या क्या किए जाते हैं वो प्रयास है. इसमें मेरा करेक्टर एक नेगेटिव करेक्टर है जो एक विधायक है, रंजीत का करेक्टर है जो मेरा, जो किस तरह मैं षड्यंत्र करके किस तरह से विधायक बनता हूँ और अपने काम को करने के लिए पूरा जो सिस्टम उसका उपयोग करता हूँ, मैं पुलिस सिस्टम का यूज़ करके मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ वो स्टोरी का वो है. और जाहिर की फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है और फिल्म को देखने में ही मालूम चलेगा क्या क्या कैसे कैसे होता है. और डायरेक्टर आर के खन्ना जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है. ये फिल्म एक बहुत ही नई तरह की है, इसे देखना बहुत ज़रूरी है और एक नए ढंग का टच किया गया है इस फिल्म को बनाने के लिए. भाटिया फ्रॉम दिल्ली. सर, मैंने इनकी पहली फिल्म गैंग वंस अपॉन अ टाइम इन दिल्ली में काम किया. सर, मैंने इनकी आर के खन्ना द्वारा पहली फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन दिल्ली में काम किया, जो मेरे काम से काफ़ी खुश हुए. उन्होंने मुझे नई दूसरी फिल्म गैंग्स ऑफ गुड़गांव में चांस दिया और मुझे इन्होंने बिल्डर का रोल दिया, जो एक बहुत ही अच्छा रोल है. मैं इनका बहुत एहसानमंद हूँ कि इन्होंने मेरे अंदर ये देखा कि ये कर सकते हैं, उन्होंने मुझे रोल दिया. और खन्ना साहब ने इतनी मेहनत की इस फिल्म में, मैं आपको क्या बताऊँ. मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ, प्रभु इनको इतनी तरक्की दें. इनके बेटे की फिल्म है, उनको भी अच्छा चांस मिलना चाहिए. मैं तो यही इनके लिए शुभकामना दे सकता हूँ, इनको और इनके बेटे को ये आगे और बढ़े. थैंक यू. उसके साथ ही दबंग थ्री कल रिलीज होने वाली है, जी सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आपका दोस्त सागर सलमान पांडे, जैसे आप लोग मुझे जानते हैं. और मैं सबसे पहले कह दूं, स्वागत तो करो हमारा. क्या बात, अरे वाह. किरदार मैं इस फिल्म में एक नेक मुख्यमंत्री बनने की जो कोशिश कर रहा है, जो कि है भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उस मुख्यमंत्री का मैं किरदार निभा रहा हूँ. मेरे ख्याल में ये फिल्म ऐसी है जो आजकल हमारे समाज में हर जगह जो भी कुछ हो रहा है, औरतों पे अत्याचार, वृद्धों पे अत्याचार, अच्छे लोगों पे अत्याचार, और उसके पीछे जो भी लोग हैं उनको छुपाने वाली कुछ एक सेक्शन होता है सोसाइटी का, और पॉलिटिकली उसका गैर फायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले जो हैं वो उठाते रहते हैं. जो कभी वो सत्ता में होते हैं, कभी सत्ता के बाहर होते हैं, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना जो एजेंडा है उसको लेके आगे भागती रहती है, लोगों को उकसाती रहती है, लोगों को झूठ जो है वो बताना चाहती है. हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जितना कुछ जहर फैला सकती है सारा कुछ हम देख रहे हैं सालों से, सदियों से. उसके बारे में कुछ कहने वाली ये फिल्म है. सर, ये तो फिल्म की बात हो गई, हमारे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का, जिम्मेदारी संभालना, क्या कहना चाहेंगे. वाय ओनली महाराष्ट्र, पूरे देश में ऐसा ही है ना. आप कहीं भी जाइए, किसी भी प्रांत में जाइए, किसी भी इलाके में जाइए, हर जगह यही है कि जो सत्ता में है उनके खिलाफ जो लोग हैं, जो विरोध में बैठे हैं,
उनका यही काम होता है कि जो सत्ता में है उनको ठीक तरह से शासन चलाने के लिए वो बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी उल्टा भी होता है कि जो सत्ता में है वो जो विरोधी लोग हैं अपोनेंट्स उनको कुछ बात करने के लिए मौका ही नहीं देते। ये हमेशा चलता ही रहता है, ये पिछले कई सालों से कई दशकों से ये चला आया है, आगे भी चलता रहेगा। मेरा अपना एक ख्याल है कि राजनीति फिर हमारे मुल्क की हो या पूरी दुनिया में कहीं भी राजनीति हो, वहाँ गुंडाइज्म के सिवा राजनीति होती ही नहीं है। जहाँ राजनीति अच्छी है ऐसा मुल्क मैंने अभी तक तो मतलब सिवा यूके के सिवा ऐसा मुझे लगता है, इतनी एडवांस सोसाइटी नहीं है कहीं भी ऐसा मुझे लगता है। और रिश्वतखोरी जो है वो एक और मुल्क है पूरी दुनिया में, नाम में शायद उल्टा पुल्टा होगा लेकिन नॉर्वे में मेरे ख्याल में ऐसा है कि नॉर्वे में आपने अगर मेरा कुछ भी काम किया, आप सरकारी अफसर हैं, कुछ भी आपने मेरा काम किया सरकार में है तो मैं आपको बुके भी नहीं दे सकता हूँ, बुके भी नहीं एक्सेप्ट करते, ऐसे भी तो बात छोड़ो। लेकिन ऐसा हमारे मुल्क में कभी आएगा, हमारे ही क्या अमेरिका में कभी आएगा, कहीं भी नहीं है। राजनीति में हमेशा गुंडाइज्म ही होता है, गुंडाइज्म जब तक तुम नहीं कर सकते तुम राजनीति अच्छी तरह से नहीं कर सकते, पूरी दुनिया का हिसाब किताब वही है। जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात हो या जिस तरह से रेप केस की बातें सामने आती हैं उसमें राजनीतिक जगत के लोग आके एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए राजनीति करते हैं, क्या लगता है ये राजनीति करना उनका सही है? कैसे सही होगा बताओ, सही कैसे हो? आप लोगों की बहनें हैं, माएँ हैं, पत्नियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उन पे कोई अत्याचार करे और चुपचाप आप सहते रहे, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? ये किस तरह की अहिंसा है? ये किस तरह की अहिंसा है बताइए मुझे, कि कोई आदमी घर में घुसता है और कहता है कि आई विल रेप योर वाइफ, तो घर का आदमी बोलता है ठीक है, अच्छा जाइए मत, हो गया, ये मेरी बड़ी बेटी है, इस पर भी बलात्कार करो, अभी भी समाधान नहीं हुआ, ये तीसरी 14 साल की बेटी है, अभी अभी औरत हो रही है, इसमें भी बलात्कार, कैसी अहिंसा है ये? तो इसलिए आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं आती है तब तक कोई सुधार नहीं होगा, और इसका मतलब ये नहीं है कि सख्त से सख्त सजा होने के बाद भी ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होगी परमानेंटली, ऐसा नहीं है। हम सारे जानवर हैं, बेसिकली वी ऑल आर एनिमल्स, वो एनिमल क्वालिटीज़ तो इंसान भी एक एनिमल ही है ना, सारी एनिमल क्वालिटीज इंसान में हैं, तो चलता रहे। अभी मैंने कहीं एक क्लिपिंग देखा के बलात्कारियों को सज़ा क्या दी जाती है, तो एक बहुत बड़ी तलवार लेके आदमी खड़ा है जल्लाद, और एक एक करके सामने लाते हैं, 10-15 लोगों की गर्दनें काटी जाती हैं, तो बड़ा भयंकर है वो, लेकिन क्या करें, जिन पे अत्याचार हुए हैं वो क्या करें, ज़िंदगी भर रोते रहें? इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनकी गर्दन काटने के बाद उनके जो उनके जो अत्याचार हुए वो ख़त्म होंगे या उनको खुशी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। उनके घर के लोग जो है जो मारे गए हैं, जलाए गए हैं, औरतें रेप किए गए हैं, वो चीज़ें गलत चीज़ें हुई है, उस पर कोई सुधार नहीं होगा, वापस नहीं आएगा। आदमी मर जाता है तो रोने से आदमी वापस नहीं आता है, फिर भी कहीं ना कहीं एक तसल्ली तो होती है कि कोई ना कोई है, कोई ना कोई है,
जो हमारी रक्षा करता है। तो भारत सरकार से अगर आपकी मांग हो कानून को लेकर, जिस तरह से ये कानून लागू हो जाए, जिससे ये जो सब कुछ सुनने में आता है ऐसे ऐसी की, तो ये बंद हो सके, आपकी क्या मांग होगी अगर सरकार से मांगना चाहे कि ये कानून लागू होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो ज़रूर समझता हूँ कि सख्त से सख्त कड़ी सज़ा होनी चाहिए बलात्कारी और खूनी, बलात्कारी और खूनी, और ख़ास करके औरतों पर जो अत्याचार हमारे मुल्क में जो होते रहे हैं उसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त कड़ी से कड़ी सज़ा बहुत ज़रूरी है। इसमें अहिंसा लाने की कोई ज़रूरत नहीं, मौत होनी जरूरी है, मौत ही होना चाहिए, क्या बिगड़ेगा? 136 करोड़ है ना, कम होते रहेंगे ना लोग, जानवर जो है इंसानी वेश में वो तो सारे निकल जाएंगे ना, क्या बिगड़ेगा? उनके रहने से होगा क्या, फ़ायदा है क्या समाज को, करना क्या है उन लोगों को लेके? लेकिन इसको भी विरोध करने वाले जो लोग हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। नागरिकता बिल को लेकर ACC जो तारी दोनों फिल्मों से क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्या इंडिया कैसे खुली है? देखिए, पहले आएगी गैंग्स ऑफ गुड़गांव, ये अपने आप में टाइटल से क्लियर है कि ये गैंग वार पे आधारित कहानी, क्राइम बेस, जैसे सत्या गैंग्स ऑफ वासीपुर वगैरह है। तो इससे मैसेज यही है कि समाज में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, इससे समाज का नुकसान पहुंचता है। और दूसरी फिल्म जो है वंस अपॉन ए टाइम इन दिल्ली, वो इसके बाद आएगी, वो निर्भया गैंग रेप पे आधारित करीब करीब फिल्म है। उससे हमने मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जब तक बेटियों को बचाएगी नहीं तो बेटियों को पढ़ाएगी कहाँ से? तो उनके खिलाफ कोई ठोस कानून बनना चाहिए ताकि बच्चियाँ देश की सुरक्षित रहें, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, ये कोई ट्रू स्टोरी नहीं है, काल्पनिक कहानी है जैसी मोस्टली होती है, बस उसी तरह की है। स्टार कास्ट में मेरे साथ में है सौरभ खन्ना, इनको मैंने इंट्रोड्यूस किया इस फिल्म से, ये हीरो है इसमें, और इनके साथ में नई लड़की है हीरोइन, उनका नाम है स्वप्निल, दिल्ली की हैं, वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। उनके अलावा अपने विक्रम गोखले जी हैं, गुलशन पांडे जी हैं, मिथिलेश चतुर्वेदी हैं, और भी दो तीन लोग हैं, मनोज बख्शी जी हैं, सागर पांडे हैं, कई लोग और भी हैं। सौरभ जी, सौरभ देखिए, इसमें जो मेरा किरदार है पुलिस ऑफिसर का है, और मैं खुद भी मतलब पुलिस का एक फ़ैन हूँ, मुझे अच्छी लगती है पुलिस, और ख़ासतौर पर ये हरियाणा बेस्ड प्रोजेक्ट है, और मेरा नेटिव प्लेस है हरियाणा, तो ये सेकंड थिंग है जिससे मुझे ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी, और प्लस इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, और मेरा किरदार इसमें काफ़ी अच्छा है, और प्लस जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है इस ये काम करने के लिए। अभी लगभग इसकी पिच जो है मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी ये जो है होली तक रिलीज हो जाएगी आप नज़दीकी सिनेमाघरों में, तो बस यही। आपकी किरदार की बात की जाए, क्या क्या किरदार निभा रहे हैं आप? मेरा एक पुलिस ऑफिसर का किरदार है, और मेरा ये एक रोल है इसमें, जो है जो भी इसमें गैंग वॉर वगैरह है, जो भी गैंगस्टर है उनका देखा जाए तो गैंग वॉर ख़त्म करने का मेरा किरदार है, यही है पुलिस का। जी, वंस अपॉन अ टाइम इन दिल्ली में भी मेरा जो वंस अपॉन अ टाइम इन दिल्ली में कैरेक्टर है वो एक लाइक कॉमन मैन का कैरेक्टर है, जिसकी बहन का रेप हो जाता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता, और एट लास्ट वो सुसाइड कर लेती है। तो मेरी बहन का बदला मैं किस तरीके से लेता हूँ उन रेपिस्ट से, तो उस तरीके की कहानी है वो। आप एक पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, कौन ऐसी पुलिस है जिनको आप फॉलो करते हैं, उनके बारे में आपने कुछ पढ़ा कि कोई किरदार जो निभाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल। क्या इस बात को आप भी मानते हैं, आपने रिसर्च किया? देखिए, जहाँ तक स्टडी की बात है, अभी हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट बने हैं जिन लाइक स्टार्स ने जो पुलिस का किरदार निभाया है, राइट, तो उनको देख कर काफ़ी एक्सपीरियंस
मुझे भी मिला, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, कैसे वो उस किरदार को परफॉर्म कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को कैसे प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो वो सब काफ़ी चीज़ें हैं। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने भी, जैसे सिंघम आई, दबंग आई, और भी काफ़ी पिक्चरें हैं जिन्होंने, जिनमें हीरो ने पुलिस का रोल किया है, तो वो सब देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उसी को एज अ मेरी फर्स्ट मूवी है, जो उसमें मैंने कोशिश की है अपनी कि मैं उनके जितना, तो मैं फर्स्ट मूवी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उनको थोड़ा सा, मतलब एक हद तक उनको कंपेयर कर सकूँ। वेलकम।